अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं कुछ नए अमल के साथ हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ उनसे आपको कोई फ़ायदा होगा। मैंने अभी तक जितने अमल बताए हैं, अगर आपको उनमें से किसी अमल से भी फ़ायदा हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अमल है, ज़ालिमों के शर से महफूज होगी सुबह व शाम 216 मरतबा या जब बारू, या जब बारू बिगड़े कामों का बनाने वाला, या जब बारू पढ़ने से बंदा ज़ालिमों के शर से महफूज रहेगा। आज का दूसरा अमल, बुजुर्गी शराफत और बरकत के हसूल के लिए, या मुतकब्बिरु बड़ी बुजुर्गी वाला, या मुतकब्बिरु का बाकसरत जिक्र करने से बुजुर्गी और बरकत हासिल होगी, या मुतकब्बिरु। आज का तीसरा अमल, तमाम आफत से सलामती के लिए 7 दिन तक मुतवातिर रोज़ाना, या खालिकू, या खालिकू पैदा करने वाला, या खालिकू 100 बार पढ़ने से बंदा तमाम आफत से सालम रहेगा, या खालिकू। आज का चौथा अमल है, कब्र जन्नत का बागीचा बन जाए, या बारीउ, या बारीउ 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ने से कब्र जन्नत का बागीचा बन जाएगी, या बारीउ बनाने वाला, या बारीउ बनाने वाला। आज का अगला अमल, इंशाल्लाह बेटा नसीब होगा, अमल है, बांझ औरत 7 दिन तक मतवातर रोज़ाना रोज़ा रखे और 21 मरतबा, या मसूरू सूरतें बनाने वाला, या मुसविरू सूरतें बनाने वाला, या मुसविरू 21 मरतबा शरीनी पर दम करके अफ्तार करे, इंशाल्लाह फरजंदा पैदा होगा, या मुसविरू 21 मरतबा 7 दिन तक रोज़ा रखे और अफ्तार में शरीनी पर दम करके खा ले तो इंशाल्लाह फरजंदा पैदा होगा। आज का अगला अमल, मगफिरत के आसार पैदा हों, नमाज़ी जुम्मा के बाद 100 मरतबा, या गफूरू पढ़ने से, या गफूरू बड़ी बख्शिश वाला, या गफूरू पढ़ने से मगफिरत के आसार पैदा होंगे। आज का अगला अमल, बराए दफा सैर कागज़ पर अल-कहारू लिखकर पानी में हल करके सैर ज़दा के सर को धोएं, असर ज़ायल हो जाएगा। अल कहारू सबको काबू रखने वाला। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इनमें से या पहले जो अमल बताए हैं, अगर किसी भी अमल से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।